Hello students, welcome to class 4. Today we are going to start chapter number 5, that is factors. See students, in multiplication these numbers are called factors. So in this lesson we are going to learn how to find factors using multiplication and division method. But before that, let's learn some rules of divisibility. Okay, so let's start. See students, it is very important to learn rules of divisibility, because using these divisibility rules you can find factors very easily. Okay, you can estimate that which number is divisible by 2, 3, 5, 4, 9. Okay, the rules of divisibility will help you find out which numbers divide others without leaving any remainder. जैसे कि मैंने भी आपको बोला, divisibility rule सीखने से आपको ये पता चलता है कि कौन सा number कौन से number से divide आप कर सकते हो, ठीक है, without leaving any remainder. आपको पता है ना, रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो वो कंप्लीट डिवीजन होता है. ओके, सो योर फर्स्ट रूल इज, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज 02468. कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब उस नंबर का लास्ट डिजिट 02468 होता है. ओके, फॉर एग्जांपल सी, here is 64 divisible by 2? Yes, because it ends with 4. और हमारे रूल में तो दिया है अगर लास्ट डिजिट 4 होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है. ओके, तो ऐसे आपको कोई भी बड़ा नंबर अगर मैंने आपको दिया, जैसे कि 246 दिया, 348 दिया, कुछ भी दिया, तो आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट क्या है वो चेक करना है. ओके, लास्ट का डिजिट अगर 02468 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. नेक्स्ट 5, कोई भी नंबर 5 के टेबल में कब आता है या फिर 5 से डिविजिबल कब होता है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5. लास्ट डिजिट अगर 0 एंड 5 होगा तो वो 5 के टेबल में आता है या फिर 5 से डिविजिबल होता है. ओके, 10, लास्ट का डिजिट अगर 0 होगा तो वो डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल 20, 30, 50, 60, 70, 80, जो भी, वॉट एवर, लास्ट का डिजिट अगर 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होता है. ओके, नेक्स्ट, मतलब आपने देखा होगा कि लास्ट में अगर 0 होगा तो वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है एंड 10 से भी है. नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उस नंबर की एडिशन 3 से डिविजिबल होती है. फॉर एग्जाम्पल 72. अभी 7 + 2 कितना होता है, 9, और 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9, तो 72 3 से डिविजिबल है. और ये इज 72 डिविजिबल बाय 2? यस, बिकॉज लास्ट डिजिट इज व्हाट, 2. ओके, नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. अगर नंबर की एडिशन 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल फिर से 72 लेते हैं, 7 + 2 = 9, एंड 9 1 = 9, तो 72 9 के टेबल में आता है. और आपको 9 का टेबल भी आपको पता है, 9 8 = 72. ओके, तो 72 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 9 ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट, इज 45 डिविजिबल 5? Yes, because it ends with 5. Is 54 divisible by 3? Yes, because 5 + 4 = 9, so it is divisible by 3. Is 452 divisible by 9? See, 4 + 5 = 9, 9 + 2 = 11. So 11 is not divisible by 9, क्योंकि 9 के टेबल में 11 नहीं आता है. ओके, तो देखो आपको यहाँ पे डिवाइड करके देखने की जरूरत थी क्या, नहीं, क्योंकि आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है. लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 5B. पुट अ टिक इफ द नंबर इज डिविजिबल एंड क्रॉस इफ इट इज नॉट. वन हैज बीन डन फॉर यू. देखो एक उन्होंने करके दिया है, आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है. मैं आपको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके देती हूँ, अच्छे से देखो. 15 इज, पहले हम पूरे 2 का देखते हैं, फिर 3 5 9 10. ओके, सी 15 2 से डिविजिबल है? नो, बिकॉज इट एंड्स विथ 5 एंड आवर रूल इज वॉट, 02468 लास्ट में होना चाहिए. सो
make cross here. 20, yes, because last digit is 0. 5, no. 3, no. 2, yes. Next, यहाँ पे yes 8 है last में, तो divisible by 2 है. यहाँ पे 2 है, तो yes. 5, no. 9, no. 0, yes. 3, no. इतना easy है देखो. फिर हम 3 के पास जाते हैं. 3 का rule क्या है? Addition करके देखना है. तो यहाँ पे 5 plus 1 6 होता है, तो yes 3 के टेबल में आता है 6. या फिर आप 3 5 या 15 ऐसे भी कर सकते हो. अब ये छोटे नंबर है तो आप कर सकते हो टेबल बोल के, लेकिन बड़े नंबर हो गए तो आपको रूल्स ही फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, अभी आपको पता है 2 plus 0 2 ही आता है, तो ये क्रॉस. 25 क्रॉस, क्योंकि 5 plus 2 7 होता है. 3 plus 3 6, तो ये 3 के टेबल में आता है. और 11 3 जा 33, ये भी आपको पता है. 4 प्लस 2 6, यस. नेक्स्ट 8 प्लस 2 10, नो. 3 प्लस 2 5, नो. 4 प्लस 5 9, यस. 2 प्लस 9 11, नो. 5 प्लस 0 5, नो. 6 प्लस 3 9, यस. 9 3 के टेबल में आता है. नेक्स्ट 5 का रूल तो बहुत इजी है, लास्ट में 0 एंड 5 होना चाहिए. तो यहाँ पे 5 है, यस. 0 है, यस. 5, यस. 3, नो. 2, नो. नो. 5, यस. 9, नो. 0, यस. 3, नो. ओके, नेक्स्ट 9. 9 का रूल भी आपको पता है, एडिशन करके देखना है. लेकिन ये 15 तो आता ही नहीं, आपको पता है 9 टू द डायरेक्ट 18 आता है, तो ये क्रॉस करना है. दिस वन ऑल्सो क्रॉस 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 क्रॉस. नेक्स्ट क्रॉस. 32 भी नहीं आता है, लेकिन 9 फाइव 45, यस, ये आता है 9 के टेबल में. ओके, या फिर 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, नो. नो. 9 7 जा 63, तो यस. ओके, नेक्स्ट 10 का तो सबसे इजी वाला रूल है, लास्ट में सिर्फ 0 होगा उसको उसके सामने ही टिक करना है, क्योंकि लास्ट में 0 होगा तो ही डिविजिबल होता है. तो ये क्रॉस, यस. क्रॉस 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 एंड यस. अंडरस्टूड? तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से बाय हेड करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लीकेशन से फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे, और उसके साथ ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.